हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BMDGM क्लासेज में। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त सॉलिड वर्दी। तो मैं आपका दोस्त गौरव जी, आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ 20 सितंबर 2022 के करंट अफेयर। तो प्यारे दोस्तों, जिन भाइयों ने पिछली वीडियो देख ली तो उसे अधिक से अधिक शेयर करते रहें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया होगा और सभी क्वेश्चनों को याद कर लिया होगा। अगर उनमें से कोई भी आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आया तो आप बिल्कुल उसको 100% करके आओगे, ठीक है। तो जो भाई हमारे चैनल पर नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या दिया हुआ है। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रखना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आ रहे होंगे, चलते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल ही में LIC इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? परसना कुमार मोटुपल्ली, ठीक है, याद रखना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार? महाराष्ट्र सरकार, ठीक है, याद रखना, चलते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ पर? राजस्थान में, ठीक है, चलते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? अंडमान निकोबार, ठीक है, चलते रहिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन नंबर सात, हाल ही में बजरंग पुनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, ठीक है, चलते रहेगा। क्वेश्चन नंबर आठ, हाल ही में डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? तो किसने जीता है? बेंगलुरु FC ने, ठीक है, याद रखना, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, हाल ही में कौन सी सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? तो तेलंगाना सरकार, ठीक है, याद रखना, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दस क्या दिया हुआ है आज का, हाल ही में देवेंद्र झांझड़िया ने पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्रिक्स, ठीक है, ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? उन्होंने जीता है रजत पदक, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 2023 शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है, देखना। क्वेश्चन नंबर 12, द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति बनी है नई, ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश में की है? तो किस देश में की है? ब्रिटेन में, ठीक है, याद रखना। एलिजाबेथ सेकंड के अंतिम संस्कार में उन्होंने भाग लिया, ठीक है, और उनकी पहली यात्रा भी ब्रिटेन की रही, ठीक है, याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और जो भाई हमारे अभी तक टेलीग्राम में ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, हमें लिंक से जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो और इन PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैंने पिछली भी सितंबर की जितनी वीकली करंट अफेयर है, मैंने सारे इसमें अपलोड कर दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और याद कर सकते हो उनको अच्छी तरीके से। देखिएगा आज का 13वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये दिया है, 2008 के बाद पहली बार भारत में WTA टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित हुआ? कहाँ पर हुआ? चेन्नई में, ठीक है, याद रखना, चलते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जीन ल्यूक गोडार्ड का 91वां वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो वे किस देश के थे? फ्रांस के, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, शंघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां देश सदस्य कौन बना है? तो कौन बन गया है? ईरान, ठीक है, याद रखना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 मतलब 16, ये दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने एक दिन में 1 लाख से अधिक लोगों ने रक्तदान करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किस देश के नागरिकों ने किया है यह कारनामा? ये किया है इंडिया, ठीक है, याद रखना, मतलब भारत, हमारा देश भारत। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, स्कूली छात्रों का बोझ कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में नो बैग डे और अनिवार्य खेल अवधि शुरू करने की घोषणा की है? तो कहाँ पर? बिहार राज्य में, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, चलते रहिएगा गोली गिरफ्तार से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, कानून मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार फास्ट ट्रैक अदालतों में सर्वाधिक लंबित मुकदमों की संख्या में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य? यह है अपना UP, ठीक है, याद रखना। देखिएगा उत्तर प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 19, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, भारतीय नौसेना ने अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किसके साथ? अमिटी यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य में देश में अपनी तरह का पहला राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में? तेलंगाना में, ठीक है, याद रखना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ ने, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, चलते रहिएगा, बिल्कुल भूलने का नहीं, और ध्यान से पढ़ते रहिएगा। 8 से 10 मिनट में हम आपको पता है 25 से 30 क्वेश्चन करा के चल जाते हैं, कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं घूमते रहना, सब क्वेश्चन इसी में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, देखते रहना या चेक करके देखना चाहता है कोई भाई, देख सकता है, ठीक है, एक बार करके देख लेना, वैसे मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा इधर उधर देखने से अच्छा आप एक बार 8 से 10 मिनट की वीडियो, इतनी स्पीड से तो आप हमारी पीडीएफ भी नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि वो हैंड राइटिंग में है, इसलिए आप वीडियो देख लिया करो, वो अच्छा है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, आज की वीडियो का लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में डिटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, तो जिन भाइयों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने भाइयों बहनों में ताकि मैं भरपूर लाभ उठा सके, ठीक है। जो भाई हमारे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, तो वो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जिन भाइयों को अच्छी लगी तो अपने भाइयों बहनों से चैनल सब्सक्राइब कराएं ताकि उनके पास भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए, ठीक है, और सभी इसकी तैयारी करते रहें अच्छी तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।